बहुत खाली आप लोगों ने सस्ती मिठाई, अब आपको खिलाएंगे लखनऊ की फेमस मक्खन मलाई। काफी लोग हैं बदनाम करने के लिए, कहते हैं कि केमिकल से बनता है, गारंटी देता हूँ, मेरे घर पर आए देखे सब। खुला चैलेंज है 10 लाख का इनाम है अगर वो केमिकल निकाल। बिल्कुल, कृष्ण जी के टाइम से जो माखन चोरी करते थे वो खाते थे वही है, तब ये माखन कहा जाता था, आज ये मक्खन मलाई के नाम से फेमस है पूरे लखनऊ में। नमस्कार भैया, कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताएं। क्या बेच रहे हो? ये मक्खन मलाई है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैम स्टार्टिंग ये कृष्ण जी से हुई थी, यहाँ चौक में 150 साल हो गए बिकते हुए इस चौराहे पर, बाबा बाबा के बाबा यहीं पे, मतलब एक स्टार्टिंग वहाँ पर दुकान हुई थी। ये जो चीज है वो नवाबों के टाइम से चलती आ रही, उससे भी पहले से, काफी पहले से। पूरी दुनिया कहती है ये सर्दियों की चीज है, लेकिन गर्मियों में कैसे मिल पाता? सर्दियों में मिलता है, बट गर्मियों में हर कोई नहीं बना सकता, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए रहता। अब इसको कोल्ड रूम पूरा मतलब जो है इसके लिए सेटअप किया गया, उसके बाद नीचे आइस जैसे लगी है यहाँ, वैसे घर पे भी बनाते टाइम लगाते हैं हम लोग, उसके बाद मथानी से मथा जाता। तो भाई मैंने सुना है कि ये अमीरों का शौक है। मैम बिल्कुल। इसका रेट बताओ जरा। किलो इस टाइम यहाँ पर 1000 है और ठंडक में 700 रुपए रहता है। 1000 रुपए किलो का मिलता है? मैम इस टाइम आइस लग रही है डबल, एसी रूम में बन रहा है, इस वजह से इसके रेट थोड़े हाई हो जाते हैं। अमीर घर के लोग खाते रहे? नहीं, नॉर्मल भी खाते हैं, अमीर भी खाते। आज के टाइम में सब नॉर्मल है, अब कोई अमीर नहीं है, सब नॉर्मल है, हर बंदा कमा रहा, मेहनत कर रहा, खा रहा है। और चौक में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, अलग अलग स्टेट से लोग खाने यहाँ आते, स्पेशली मक्खन मलाई। दिल्ली में तो सर दौलत की चाट बोल, गारंटी देता हूँ, वहाँ की दौलत की चाट यहाँ की मक्खन मलाई में बहुत डिफरेंस है। बहुत जगह मैंने कमेंट्स में देखा है कि सर्दियों वाला असली है और जो गर्मियों में बन रहा है उन्होंने उसमें कुछ केमिकल डाला। केमिकल कोई नहीं है, बस ये है कोल्ड रूम में बन रहा है, बिना ठंडक के बन नहीं सकता ना टिक सकता है। अगर अभी यहाँ से आइस हटा दी जाए 2 घंटे बाद मेल्ट हो जाएगा। ऊपर से जो गार्निशिंग है और ये किसकी? चांदी की वर्क है, चिरौंजी प्लस बादाम काजू ये सब पड़ा रहता है। टेस्ट कैसा है इसका? बहुत अच्छा टेस्ट है, हम लोग आते रहते हैं कंटिन्यू, हमारा पूरा परिवार खाता है। सर्दियों में जो बनता है जो गर्मियों में बनता है उसका स्वाद में अंतर होता है? नहीं, कोई स्वाद में अंतर नहीं, जैसा है वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल खाना चाहिए भाई। लखनऊ में घूमते घूमते मैंने सोचा यार गर्मी है, ये दौलत की चाट कैसे दिख गई? ये दौलत की चाट नहीं है, ये है लखनऊ की मक्खन मलाई, जिसको देख के ना यार मुझे लगा ये दौलत की चाट और इसमें क्या अंतर है भाई? अंतर कुछ ना कुछ स्वाद में तो होगा ही, वो है हमारी दिल्ली की दौलत की चाट और ये है लखनऊ की मक्खन मलाई। वो मिलती है सिर्फ सर्दियों में और ये गर्मी सर्दियाँ दोनों 12 महीना यहाँ पे मिलती है। मेरे मुँह में पानी आ गया क्योंकि मैं ना स्पेशली सर्दियों का वेट करती हूँ इसको खाने के लिए। तो भाई इसको खाती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ उसका स्वाद कैसा हो रहा है। यार उसको खाया जाए यार, ये ना मुझे चिटिंग लगती है। दौलत की चाट और मक्खन मलाई जब भी खाओ ना मुंह में जाके गायब हो जाती है। मुझे ना इसका टेस्ट बहुत ज्यादा सिमिलर लगा दौलत की चाट से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे एक बार जगह का एड्रेस और टाइमिंग बता दो। वैसे इतने टाइम समर में 8-9 बजे की रहती, वही ठंडक में करेक्ट 6 बजे आपको यहाँ दुकान मिल जाएगी, 2 बजे तक रहती है दुकान, रात के 2 बजे तक, रात में 2 बजे तक। बहुत सारे लग जाते होंगे ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक, 12 दुकानें हैं। और तो कौन से महीने से लगनी शुरू हो जाएगी? अक्टूबर से मेन लास्ट फरवरी तक रहता है। अगर आप भी सर्दियों का इंतजार करते हो मेरी तरह यहाँ पे दौलत की चाट और मक्खन मलाई खाने के लिए, तो यहाँ पे लखनऊ में आ जाओ, 12 महीना आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, साथ रहिए, और अगर कुछ रहना तो मेरी तरह खाते रहिए।